कड़ी निद्रा अब बंद करो, कड़ी निद्रा अब बंद करो, भाषा बोलो अंगारों की, कड़ी निद्रा अब बंद करो, भाषा बोलो अंगारों की, खाल खींच लो आतंकवाद और नक्सलीवाद के नाजायज औलादों की। हो जाए अगर भूल तो, हो जाए अगर भूल तो भूल सुधारी जाती है, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। नमस्कार, मैं आशु परिहार। आज मैं अपना लाइव आने का उद्देश्य बता देती हूँ कि 25 जवानों की चिता की राख अभी ठंडी ही नहीं हुई थी कि 3 जवान और शहीद हो गए, कि 25 जवानों की चिता की राख अभी ठंडी ही नहीं हुई थी कि 3 जवान और शहीद हो गए। बड़ा दुख होता है मुझे, हमारे पास सरकार के पास 2 बहुत अच्छे बम जो वो फोड़ने में लग रही है कि हम कड़ी निद्रा करेंगे, हम ठोस कदम उठाएंगे, हम कड़ी निद्रा करेंगे और हम ठोस कदम उठाएंगे। तो बंद करो ये कड़ी निद्रा करना, बंद करो ये ठोस कदम उठाना। आपको भाषा अंगारों की बोलनी है, बहुत हो चुका। सैनिकों को अपने अधिकार दो, जब तक सैनिकों को अपने अधिकार नहीं दोगे हम बंधे रहेंगे। और कश्मीर से धारा 370 हटाइए, जब तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हटेगी सैनिक के अधिकार उसको मिल नहीं सकते हैं। कश्मीर हमारा नहीं है जब से धारा 370 नहीं हटेगी। आप लोगों को थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि जो धारा 370 है क्या, काफी लोगों को पता नहीं है कि धारा 370 है क्या। धारा 370 के अंतर्गत ही आता है कि अगर कश्मीर की लड़की की शादी हिंदुस्तान में किसी लड़के से हो जाती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कश्मीर की लड़की की शादी पाकिस्तान के लड़के से हो जाती है तो उस पाकिस्तान के लड़के को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाती है, वो भी दोहरी नागरिकता, एक कश्मीर की नागरिकता और एक भारत की नागरिकता, क्योंकि कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता का अधिकार है, वो भी 370 धारा के अंतर्गत ही आता है। ये आता है 370 धारा के अंतर्गत। अगर वहां पे हमारी तिरंगे की किसी ने बेइज्जती कर दी तो उसका कोई अपमान नहीं माना जाता। ये आता है धारा 300 अंदर के अंदर। कश्मीर में भारत का कोई भी संविधान, कोई भी कानून लागू नहीं है। ये आता है धारा 370 के अंदर। वहां का राष्ट्र ध्वज अलग है, ये आता है भारत के 370 धारा के अंदर। वहां पर भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, ये आता है धारा 370 के अंदर। बड़े शर्म की बात है कि कश्मीर हमसे, भारत से 2 गुना, भारत सबसे ज्यादा किसी भी राज्य में इतना पैसा खर्च नहीं करता जितना वो कश्मीर में खर्च करता है। कश्मीर में भारत हर राज्य से ज्यादा 2 राज्यों के पैसे कश्मीर में खर्च करता है और वहां से चवन्नी भी नहीं लेता है, और जबकि वहां के सारे नियम कानून सब अलग है। वहां पे भारत की उच्चतम न्यायालय का आदेश भी मान्य नहीं है, जो भी 370 धारा के अंतर्गत आता है कि कश्मीर में भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश मान्य नहीं है। बड़े शर्म की बात है। कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ मैं कि कश्मीर हमारा ही है कि किसी और का है कश्मीर। इतने सारे नियम लागू, सबसे पहले मोदी जी आपको, हमारी सरकार है, हमारी सरकार, जब हम बोलते हैं ना, जब मोदी जी, योगी जी भाजपा की सरकार बनी थी तो हमने बोला था कि अब हमारी सरकार है, जब हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार से मांगे करेंगे, क्योंकि बच्चा अपने माँ बापा के सामने ही रोता है। अब हमारी सरकार है इसलिए हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि वहां पे धारा 370 हटाई जाए, सैनिकों को उनका अधिकार दिया जाए, सैनिकों को उनका पूरा अधिकार दिया जाए। और अगर आप वहां पे धारा 370 नहीं हटा सकते हो, अगर वहां पे आप सैनिकों को उनके अधिकार नहीं दिला सकते हो, तो हो हमारे सैनिकों को कश्मीर से वापस बुला लीजिए, जो वहां पे पत्थर मारते हैं उनको लड़ने के लिए भेजिए। जब उनको गोली पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कितने बेटे शहीद होते हैं। वो उन लोगों के लिए गोली खा लेते हैं हमारे सैनिक जो उन्हें पत्थर मारते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? अगर आप 370 धारा नहीं हटा सकते, अगर आप सैनिकों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, तो हमारे सैनिकों को वहां से वापस बुला लीजिए। और उन्हें लड़ने किसको भेजना है आपको, और लड़ने वहां पे कश्मीर के लोगों को भेजो जो वहां पे पत्थर खाते हैं, जो उन्हें पत्थर मारते हैं हमारे सैनिकों को, उनको लड़ने के लिए भेजिए। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप लोग शेयर करते चले दो ताकि लोगों को पता चल सके कि 370 धारा क्या है। 370 धारा में तो हमारा कुछ है ही नहीं, कि कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमारा है, पीता हमारा है और नैन मटक के पाकिस्तान के इरादों पे करता है। मतलब 2-4 लोगों ने
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या लगा दिए? पाकिस्तान तो कश्मीर को अपनी जागीर ही समझ बैठा। बड़े शर्म की बात है ये। वहां से या तो धारा 370 हटाइए, सैनिकों को अपना सम्मान दीजिए, अगर नहीं दे सकते सैनिकों को उनका अधिकार तो वहां से अपने सैनिक वापस बुला लीजिए, मरने दीजिए कश्मीरियों को, उनके हालात पर उन्हें छोड़ दीजिए। वो वैसे भी जो पत्थर वाले काम करते हैं ना, वो यही डिजर्व करते हैं, यही डिजर्व करते हैं वो। कि अंत में चार लाइनों के साथ समाप्ति चाहूंगी, आप ही मेरी वीडियो चारों तरफ फैला देना, चारों तरफ मेरा मैसेज पहुंचा देना कि 370 धारा है क्या, कि हमें कश्मीर की आजादी कैसे मिलेगी, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है। ये वहां पे उमर अब्दुल्ला भी बोल चुके हैं, जो पूरी उमर अब्दुल्ला की फैमिली है वो चाहता है कि भारत से कश्मीर अलग हो जाए और उमर अब्दुल्ला जी वहां के प्रधानमंत्री जी बन जाए। एक बार उमर अब्दुल्ला ने बोला था, मुझे बड़ा अभी भी याद है, एक बार उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि वो तो हम भारत में हैं इसलिए अभी तक मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, अगर हम पाकिस्तान में होते तो तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे होते। बड़े शर्म की बात है, वो तो शुक्र करो तुम भारत में हो तो मुख्यमंत्री बन के बैठे थे, अगर तुम पाकिस्तान में होते ना तो अभी तक गोलियों से भुन चुके होते, भुन तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता। तो ये उमर अब्दुल्ला की जो पूरी फैमिली है, पूरा उमर अब्दुल्ला का जो पूरा खानदान है, वो शुरू से ही ये प्रयास करा जा रहा है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए और वो कश्मीर का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के बैठ जाए, एक कश्मीर पे शासन अपना लागू कर सके। तो ऐसा तो हम कभी होने नहीं देंगे, इसलिए वहां से 370 धारा हटनी बहुत जरूरी है। लास्ट में जाते जाते दो शब्दों के साथ समाप्ति चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, केवल दो शब्दों के साथ मैं अपनी समाप्ति चाहूंगी कि बहुत हो चुका मोदी जी, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की शहादत पर जिगर हमारे जलते हैं, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की शहादत पर ये जिगर हमारे जलते हैं, अब नक्सलवादियों और आतंकवादियों को थोड़ा सा तो झटका दो, अब नक्सलवादियों और आतंकवादियों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो आतंक की राह पर चढ़े उन्हें लाल किले पर लटका दो, जो आतंक की राह पर चले उसे लाल किले पर लटका दो। सैनिकों की शहादत पर नमन करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।